कुछ दूर साथ चलो बस उस मोड़ तक ही, कुछ दूर साथ चलो बस उस मोड़ तक ही, जब वो मोड़ आएगा बताऊंगा ही नहीं। आयुष्मान खुराना ने लिखा है। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो तो पसंद आएगा ही, तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ये मैं नहीं कहने वाला, इस बार थोड़ा अलग। इस बार फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब अच्छा इंसान हो तुम। नहीं, दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इज़ बहुत अलग तरह का एक अवतार है वहाँ पे। पोस्ट, कैप्शंस और स्पेशली द स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, वो डिफरेंट है। तो आई थॉट कि उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो या दिस इज़ माई आईडी, फॉलो मी देयर। फिलहाल बात करते हैं लफ्ज़ों के मोती की। पार्ट टू कितना अच्छा गया, नहीं मतलब थैंक्स टू यू। तो उसी की वजह से मुझे लगा कि इसका पार्ट थ्री होना चाहिए, बट थोड़े चेंज के साथ। इस बार मेरी नहीं, किसी और की नहीं, आयुष्मान खुराना की बात करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा लिखता है। मतलब कैसा पता है? हमारे दिल की बात जो हम कई अरसों से महसूस कर रहे हैं, पर उसके लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं, जुबान अटक सी पड़ी है। ये भाई साहब उसी बात को अपने ट्विटर हैंडल पर लगा देते हैं। तो मैंने सोचा कि तीन चार या पाँच जो भी मुझे पसंद आती है वो सुनाते हैं आज आपको। ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग करेंगे मेरी बातों का, है ना? तो चलिए, लफ्ज़ों के मोती का तीसरा चैप्टर, आयुष्मान खुराना के नाम। बधाई हो। आपने एक बात नोटिस की, मैं और आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ख़ास मिल गया ना तो उसको जाने नहीं देंगे। मतलब रिश्ता रहे ना रहे वो बात की बात है, पर वो इंसान ज़रूर रहता है हमारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने हमें हमारी अहमियत सिखाई है, उसकी वजह से उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा है। वो प्यार वाली जो बात थी ना, बिल्कुल वैसा सीन। उसी के आसपास आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा लिखा है। कीमती था वो इतना, कीमती था वो इतना कि जाने ना दिया उसे खोकर भी, जाने ना दिया उसे खोकर भी, कीमती था वो इतना। ये वो एक तरफा प्यार वाला सीन है जिसमें भले वो इंसान नहीं रहना चाहता, वो उसकी चॉइस है एंड वी रिस्पेक्ट दैट चॉइस। पर हमारा थोड़ा चिट्ठा अलग है, हम उसको रहने देना चाहते हैं। कुछ बात है उसमें जो आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर सका है। ठीक है, इंसान रिप्लेस हो सकता है, पर उसने जो आपको महसूस कराया है कभी नहीं। अब बात करते हैं ब्रेकअप की और एक्सेप्टेंस की। कोई भी ब्रेकअप या कोई भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन कब बहुत ही आसान लगती है? जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। कौन सा एक्सेप्टेंस? कि वो जो इंसान था या फिर वो जो सिचुएशन थी वो सिर्फ उसी लम्हे के लिए आई थी, उसके बाद उसका कोई वजूद था ही नहीं। जब यही बात आप बहुत सारे डिनाइल्स के बाद एक्सेप्ट करते हो ना, तब आसानी हो जाती है। कैसे? उस गली ने ये सुन के सब्र कर लिया, उस गली ने ये सुन के सब्र कर लिया कि जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, ये सुन के उस गली ने सब्र कर लिया। दी मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे आती है कि वो इंसान उसी लम्हे के लिए था और मे बी वी वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर फॉर एवर, है ना? दूसरी बात ये भी है कि गली की बात और है, वहाँ पे लोग बहुत आते जाते रहते होंगे, पर हम तो इंसान हैं, अच्छे लोग बहुत कम ही आते हैं, इसलिए ये एक्सेप्टेंस लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं? अब बात करते हैं कुछ लोगों के रवैये की। वो होता है ना ताका झाकी करने वाला कि यार क्या हुआ, अच्छा ओ हो, आपकी ज़िंदगी में ये हो गया, लाइक दैट। वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ओ बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ वो, पर वो प्रॉब्लम जानने में उनका कितना इंटरेस्ट होता है, कितना? यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। दरवाजे खोल दो तो कोई पूछने तक नहीं आएगा, दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने तक नहीं आएगा, यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। वो होता है ना कि जब आप किसी को टीज करते हो तो वो थोड़ा सा दिखाते हो और बहुत कुछ छुपाते हो, तो इंसान को क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा ये लाइक दैट, पर पूरा दिखा दिया। शुरुआत में एक्साइटमेंट और उसके बाद खत्म। प्रॉब्लम्स का भी बिल्कुल ऐसा ही है।
आपके प्रॉब्लम के बारे में जानने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं कि जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है, समझे? उनको ऐसा है कि ऐसा तो क्या है, जानना है, जान के उसको सुलझाना नहीं है, सिर्फ जानना है। ये वो लोग हैं, ऐसे लोगों से संभल के रहिए, संभल के। मेरी एक बहुत ही पसंदीदा गजल है जिसमें ऐसा कहा गया है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। और आदमी कैसा है? बिल्कुल उल्टी खोपड़ी, जो करने को बोलो वो नहीं करेगा, या फिर जो चीज़ आप उससे एक्सपेक्ट करोगे ना उल्टा ही करेगा। वक्त का भी ऐसा ही है। तो पहले वक्त की बात कर लेते हैं। वक्त का क्या है? तुम्हारे मन से बिल्कुल उल्टा चलता है। वक्त का क्या है? तुम्हारे मन से बिल्कुल उल्टा चलता है। तुम चाहते हो ठहर जाए तो भाग जाता है, तुम चाहते हो ठहर जाए तो भाग जाता है, और तुम चाहो कि भाग जाए तो ठहर जाता है। तुम चाहते हो कि ठहर जाए तो भाग जाता है, पर जब तुम चाहते हो कि भाग जाए तो बड़ी तसल्ली से ठहर जाता है। वक्त का क्या है? उल्टा। बाय द वे, आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में जब आता है तो आपसे बहुत कुछ सीख के जाता है और आपसे बहुत सारी चीजें चुरा के चला जाता है? ऐसा लगता है कभी? मतलब नॉट रियल थिंग्स, बट द रियल थिंग्स, इमोशंस हैं या फिर जिंदगी को देखने का नजरिया है, वो सब चुरा के चला जाता है, ऐसा लगता है? इस बात से शायद लगेगा। सीख कर गया वो मोहब्बत मुझसे, सीख कर गया वो मोहब्बत मुझसे, अब जिससे भी करेगा बेमिसाल करेगा, अब जिससे भी करेगा वो बेमिसाल करेगा, सीख कर गया वो मोहब्बत मुझसे। ये लाइन पता है कब ज्यादा हिट करती है? जब आपको रियलाइज होता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे ना, वो इंसान उस टाइम पे ठीक नहीं था, जो जो चीजें आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको दे ना सका, कुछ बहाने, कुछ ठीक है, या फिर कोई फिक्र ही नहीं वैसा। पर जैसे ही आपसे वो दूर चला गया और किसी और के साथ वो उनकी पनाहों में चला गया, तो वो सब चीजें कर रहा था जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुई। ये वहां पे हिट करता है। आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स फॉर आयुष्मान खुराना। बाबा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू नो दैट वी लव यू। यू नो दैट, राइट? नो? ओके, वी लव यू। ओके, जब भी हमारी मुलाकातें होती है, एक ऐसा इंप्रेशन तुम हमारे जहन में छोड़ते हो कि जो कभी नहीं निकलता। जब बात थी दम लगा के हईशा की, या फिर बात थी अंधाधुन की, या फिर बधाई हो की, जब भी हमारी मिर्ची स्टूडियो में या बाहर भी मुलाकात हुई है, तुम यार बाजा फाड़ो, तो बिल्कुल जैसे हो वैसे ही रहना, और उसके साथ साथ ये सब लिखते रहना, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि जो सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं कहता, हमारा दिल भी महसूस करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आयुष्मान को ट्वीट करना मत भूलना, ताकि ये उस तक पहुंच पाए। मैं भी उसको ट्वीट कर रहा हूँ, सो वरी ना को। इसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं, देन प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। पार्ट टू में ऑलमोस्ट 1200 कॉमेंट्स मुझे मिली है उस चीज़ को, उस दो लाइन्स को कंप्लीट करने के लिए। इस बार मैंने कोई लाइंस नहीं लिखी है या कोई बात बताई नहीं है, बस आपको जो मन में आए इस बार लिखिए। देखते हैं कि अगले लफ्ज़ों के मोती में किसकी बात मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप मुस्कुराना। बाय बाय। एंड या हैप्पी दिवाली।